खूब अच्छी तरह पढ़ाई है ना और अच्छी शख्सियत। अब तिराजी हो सगड़ा कहना बहुत आसान है, बारहवीं के साथ गवर्नमेंट सीट के MBBS पे अपना एडमिशन लेना, एक बार जोरदार ताने बच्चे के लिए भाई। मुझे आज सच में बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों से फिर से मिली और आपने मुझे सेलेक्ट होने में बहुत मदद की। जो CLC के जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो हमारी बहुत मदद करते हैं डाउट्स क्लियर करने में, और वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। तो आप प्लीज़ CLC में जाइएगा, जब आपका अगर सपना है डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का तो आप प्लीज़ वहाँ जाओ। CLC सच में बहुत अच्छी कोचिंग है जो आपके सपनों को हासिल करने में आपकी मदद करेगी, और जो हमारे बॉस है रिस्पेक्टेड बॉस, वो बहुत अच्छे से आपको मोटिवेट करते हैं। वो कभी भी किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छूटने देते, वो हर एक बच्चे को साथ लेके चलते हैं। तो वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही पॉजिटिव है और आप एकदम से एनर्जी से भर रहेंगे। मैंने 2 साल वहाँ कोचिंग की है, मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं पीछे रह गई। इनके जो वहाँ पर असेंबली ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं ये। तो वहाँ पे जाओगे उसको अटेंड करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम वो नहीं हो जो तुम पीछे रह गए थे, तुम्हें लगेगा कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तो प्लीज़ कोचिंग में जाइएगा और आपको भी यही लगेगा कि जो मैं यहाँ बोल रही हूँ वो एकदम सच है, आप अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर पाओगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर वर्षा डाका यहाँ पे PHC बड़ौंदा किला में एज ए मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हूँ। यहाँ पे मेरी 20 दिसंबर को पोस्टिंग हुई थी। मैंने 2012 और 2013 में CLC से तैयारी की थी, फिर 2014 में मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। तो वहाँ से मैंने 2020 में मैंने अपनी MBBS पूरी कंप्लीट की और यहाँ पे मैंने अपना मेडिकल ऑफिसर पे पद पूरा तैयार किया। सबसे पहले तो मैं और इस ये जो मैं आज हूँ, जो भी मैं हूँ आज एज ए डॉक्टर, इसका सारा श्रेय मैं रिस्पेक्टेड बॉस को करती हूँ। बस शायद अगर बॉस नहीं होते तो शायद मेरा ये सपना पूरा नहीं होता। इट्स ऑल ओवर माई एक्सपीरियंस। और शायद एक लड़की का बाहर की तरफ बाहर रहना, घर से बाहर रहना, शायद जो माँ बाप होते हैं वो भी बहुत ही इनसिक्योर होते हैं, खास करके एक लड़की के मामले में। लेकिन शायद मैं वहाँ गई तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अपने घर से बाहर रही हूँ। शायद मैं 2-2.5 साल के आसपास बॉस के वहाँ रही, CLC सिक्कर में रही, पर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूँ। वहाँ पर ऐसा सारा, आज सिक्कर की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी है, बहुत सारी नीट की कोचिंग करवाने के लिए या IIT की अपन बात करें तो बहुत सारी संस्थाएं आपको मिल जाएंगी। लेकिन शायद वहाँ पे जो माहौल होता है, एक शायद जो पढ़ने का माहौल होता है, एक जो शायद सिक्योरिटी का माहौल होता है, एक शायद जो अपने घर परिवार से लेन देन का जो माहौल होता है, वो शायद आपको CLC के अलावा कहीं पर नहीं मिलेगा। और शायद मैंने CLC के मोस्टली वहाँ पर जो एनुअल फंक्शन होते हैं मैंने सारे अटेंड किए हैं, और वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ से 10-12 साल में जो सेलेक्ट, 10-12 साल से पहले भी जो सेलेक्ट हो गए हैं स्टूडेंट, वो भी सारे आए हैं। और वो सारे बस इसीलिए है कि सारी एक CLC है, वो उनके साथ एक परिवार के रूप में अब तक जुड़ी हुई है। और शायद वो सब, शायद मैं इस सब का श्रेय बस बॉस को देना चाहती हूँ। थैंक्स।